So good afternoon, namaskar everybody. We had done inflation last time. So today we are going to deal with banking system. आज थोड़ी सी छोटी क्लास रहेगी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ रहा है जी. बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कट्स हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो इलेक्ट्रिसिटी इशू करके थोड़ी सी छोटी क्लास करेंगे आज. राइट. सो बैंक बेसिकली होता क्या है जी? व्हाट इज अ बैंक? सो बैंक बेसिकली इज दिस. सपोज अ बैंक सेवर इधर से आया, इसने पैसे डाले. सेवर या डिपॉजिटर भी बोल सकते हैं इसे. इसने डिपॉजिट करा दिया. देन बिजनेसमैन यहां से लोन ले गए या बोरोअर. सो बैंक इज जस्ट एन इंटरमीडियरी बिचोलिया बिटवीन सेवर एंड बोरोअर. एंड इनको रेगुलेट कौन करता है हिंदुस्तान में बैंक्स को जी? आरबीआई. सो व्हाट इज बैंक अगेन? लुक हियर. बैंक इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एज इट मीडिएट्स बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स. ये तो डायग्राम में भी यही बनाया हुआ सर. एंड इट डज सो बाय एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम सेवर्स एंड लेंडिंग मनी टू बिजनेस. एंड इट्स प्राइमरी, ये सवाल आ जाता होता है लाइबिलिटी क्या है बैंक की. प्राइमरी लाइबिलिटीज आर डिपॉजिट्स एंड प्राइमरी एसेट्स आर लोन्स. मेजरली बैंकों की लाइबिलिटी होती है डिपॉजिट और जो लोन है लोन उनका एसेट होता है सर बैंक की तरफ से. राइट. बैंक की तरफ से देखना, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. सो फर्दर जी, टाइप्स ऑफ बैंक्स इन इंडिया, इससे सवाल आता होता है. पहले एक बार बताओ मुझे, एक कमिटी थी जिसने स्पेशल काइंड्स ऑफ बैंक्स बोली थी कि और बैंक्स बनाओ, पेमेंट बैंक बनाओ, स्मॉल फाइनेंस बैंक बनाओ. कौन था उस कमिटी का चेयरमैन अभी रिसेंटली जो बनी थी थोड़े साल पहले? राइट. प्लीज टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड वन मोर थिंग यार, यू लुक एट द वीडियो, यू डोंट कमेंट. That is totally disheartening. I am thinking, अगर आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी वीडियोज का स्टैंडर्ड डाउन कर दूं थोड़ा सा. राइट. सो टाइप्स ऑफ, अगर आप कॉमेंट नहीं करेंगे दैट इज disheartening मैन. सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं 60%, कॉमेंट नहीं कर रहे हैं. एटलीस्ट चलो फीडबैक दे दो कि भाई तेरे को पढ़ाना नहीं आता. से दैट नो प्रॉब्लम, बट प्लीज डू कॉमेंट. सो कॉमर्शियल बैंक, टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया. कमर्शियल बैंक्स विच आर डोमेस्टिक पब्लिक सेक्टर, मतलब सरकारी मेजरली. डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर, मतलब प्राइवेट सेक्टर में पर हिंदुस्तानी. फॉरेन बैंक्स, जैसे कौन सी फॉरेन बैंक है जी इंडिया में? कैन यू नेम एनी फॉरेन बैंक इन इंडिया? प्लीज डू इन द कॉमेंट सेक्शन. आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक्स फॉर रीजन स्पेसिफिक. पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अभी बनी. देन अदर काइंड ऑफ, ये कॉमर्शियल बैंक्स थी सर. Other kind is cooperative, other is land development, investment or merchant banks, development banks. So, ये वाले table को ध्यान रखना. Commercial कौन सी होती हैं जी? Small finance bank उससे अलग मानी जाती, payment अलग, और cooperative is not a commercial bank. Please remember this. So, commercial bank is basically made commercial. Commerce means for profit. So, profit के लिए बनी होती generally. And it takes demand deposits, current accounts, saving, then gives loans. Basically, retail banking करते हैं. रिटेल बैंकिंग मीन्स सारे वो फंक्शन जो एक बैंक एक आम आदमी के लिए करती है. मर्चेंट बैंकिंग क्या होता है? जो बैंक बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए करती है, फॉर एग्जाम्पल अंडर राइटिंग द इशू ऑफ शेयर्स. सो रिटेल बैंकिंग एंड मर्चेंट बैंकिंग प्लीज ध्यान रखना इनका डिफरेंस. सो कोऑपरेटिव बैंक भी डिपॉजिट तो लेता है, लोन भी देता है, बट नेचर इज डिफरेंट. कोऑपरेटिव बैंक्स आर ओन्ड बाय द कस्टमर्स. कोऑपरेटिव की शेयर होल्डर्स ही कोऑपरेटिव के ओनर्स होते हैं, वही बंदे आपस में लोन देते रहते हैं. एंड वन पर्सन वन वोट, और ये फॉर प्रॉफिट नहीं होते. एंड सर एक और बात, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट एंड रेगुलेटेड बाय आरबीआई अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड बैंकिंग लॉज 1965. राइट. सो आरबीआई ही रेगुलेट करता है. एंड इन्वेस्टमेंट बैंक्स जो मर्चेंट बैंकर्स होते हैं प्राइमरली आर मर्चेंट बैंकर्स, या बड़े बिजनेस हाउसेस के साथ डील कर अंडर राइटिंग एक्सेट्रा कर. राइट. देन लैंड डेवलपमेंट बैंक. सर लैंड डेवलपमेंट बैंक क्या करेगी? इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड व्हाट? इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड लैंड मॉर्टगेज बैंक सर. इट वाज ओरिजिनली कॉल्ड व्हाट? लैंड मॉर्टगेज बैंक. राइट. प्रेजेंटली दे आर कॉल्ड स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक. दे प्रोवाइड व्हाट? लॉन्ग टर्म फाइनेंस. से एक ही वर्ड याद रखना, लैंड डेवलपमेंट यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस. नहीं तो बैंक स्मॉल एंड मीडियम टर्म करती हैं, बट कुछ स्पेशल बैंक्स जैसे एलडीएस या स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक्स,
they provide long-term finance. Then development bank, again long-term finance. Normal bank, small and medium term करेगी जी. Development bank and land development bank, long-term. Right? So except commercial and cooperative bank, no other bank mentioned above accepts demand deposits. ये जो ऊपर जो हमने banks deposit mention करी है, वो demand deposit नहीं लेते. Right? What are checkable deposits? What are checkable deposits? Where money can be withdrawn by issue of checks. Right? इंडिया में हम डिमांड डिपॉजिट की डेफिनेशन कुछ और मानते हैं सर, मतलब डिमांड डिपॉजिट और चेकेबल डिपॉजिट्स को एक मानते हैं, बट इन कंट्रीज दे हैव, इन अदर कंट्रीज दे हैव मच मोर डिटेल्स इन दिस, कि चेकेबल टोटली अलग, डिमांड टोटली अलग. राइट? देन कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन सी है, इनका नाम शेड्यूल्ड क्यों है, बिकॉज इज सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में प्रेजेंट है जी, आरबीआई के एक्ट 1934 में. सो आरबीआई एक्ट है सर, ध्यान रखना, कई बार पेपर जान के उल्टा ऑप्शन दे देता है. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेकंड शेड्यूल ऑफ बैंकिंग, नहीं जी, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट है, प्लीज ध्यान रखना. राइट? और इनकी पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए उस टाइम जब बना था, तो 5 लाख. आजकल यूनिवर्सल बैंक खोलने के लिए आपके पास कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ की 100 करोड़, टेल मी दैट मेजर इन द कॉमेंट सेक्शन ऑल्सो प्लीज. राइट? यूनिवर्सल बैंक के लिए 500 करोड़ आई थिंक. सो The scheduled commercial bank enjoys certain benefits like approaching RBI for financial assistance. कि भाई मरता क्या ना करता, RBI से हेल्प मांग लेता, है ना. They have certain obligations like maintaining CRR, SLR, all the reserves. So help तो मिलेगी RBI से commercial scheduled commercial को, but उन्हें reserves भी maintain करने पड़ेंगे, मतलब RBI regulate भी अच्छे से करेगा फिर. बस भीख मांगने तो उसके पास जाओगे बाद में. एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक सिर्फ 3 ही है जी, 3 नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ऑपरेटिंग इन विद इन द कंट्री विद अ टोटल ऑफ 9 ब्रांचेस. राइट? सो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स को जनरली हेल्प नहीं करता आरबीआई, बट क्राइसिस सिचुएशन में करेगा ही करेगा. देन लोकल एरिया बैंक्स आर नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स, प्लीज ये ध्यान रखना. लैब या लोकल एरिया बैंक जिसका यूपीएससी में सवाल आया था, ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, इनके बारे में सेकेंड शेड्यूल में नहीं दिया हुआ आरबीआई एक्ट के. Right? So scheduled banks comprise scheduled commercial banks and scheduled cooperative banks. So scheduled banks में scheduled commercial and cooperative दोनों आएंगे. Right? Currently अब ये change हो चुका है, please. So 12 public sector banks हैं कि कितनी है आप बताना. Right? Then from this, since we have another electricity failure over here from SBI, the biggest bank in India, we'll continue in the next lecture. So again, before going, before it switches off, I would like to say the PDFs have been now been provided. You were told to save this number. अगर आपने number नहीं save करा, या फिर आपने save तो करा है, but आपको कोई PDF नहीं आया अभी तक. So please मुझे बताना 9041943251. 9041943251 आपने नंबर सेव करना है. आपको पीडीएफ नोट सारे लेक्चर्स के मिल जाएंगे. अगर एक भी पीडीएफ अभी तक आपके पास नहीं पहुंचा और आपने नंबर सेव भी करा हुआ है, तो प्लीज इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दें कि सर मेरे को एक भी पीडीएफ नहीं मिला. राइट? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम.